अपनी बीवी से प्यार नहीं करती? नहीं करता। रमन, आप अपनी बीवी से प्यार नहीं करते? नहीं करता। ये सब तुमने करवाया ना? क्यों? क्योंकि हर कोई आपकी तरह कायर नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागता है। मैं यहाँ आई हूँ आपकी गलती ठीक करवाने, आपकी गलतफहमी दूर करने। जवाब चाहिए मुझे, अपनी बीवी से प्यार नहीं करते? नहीं करता, इसलिए जा रहा था। सच कहो मुझसे, प्यार करते हो कि नहीं? नहीं करता। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, मैं प्यार नहीं है? बोला ना नहीं करता, इसलिए तुमसे पूछा। हाँ, इसीलिए तो आपने धोखे से ये कागज मेरे पास भिजवाया। ये पाठक ने दिया ना तुमको? पाठक ने? कि पाठक जानता है कि आपके और मेरे दिल में क्या, लेकिन आपको तो मेरी फिक्र नहीं है ना? देखो पाठक पागल है। हाँ, वो पागल है। दिमाग खराब है? बिल्कुल दिमाग खराब। उसकी बात तो मत ना, इसको समझाओ। अरे तू पागल, नहीं फिक्र करते हो ना मेरी? ठीक है, अरे तू नहीं कर पाए ना मेरी? ठीक है, नहीं फिक्र है ना? नहीं प्यार करते हो ना? बताओ मैं जान के रहूंगी, प्यार है कि नहीं है? प्यार है कि नहीं है? हटो आप रास्ते से, प्यार नहीं करते ना मुझसे? मैं आज बताती हूँ। आज तो गया बेचारा, इससे तो अच्छा होता जेल चला जाता, वहाँ सेफ तो रहता कम से कम। बहुत बोल रहा था, मैं रमन कुमार हूँ, तुम मुझे जानते थे। देख लिया, पिट गया अपनी बीवी से। लोगों को देख ले, सबको पता चलना चाहिए कि ऐसा पति किसी को ना मिले। इससे तुम दूर हटाओ, बार बार बीच में आ रहा है। कहाँ दूर जा रहा है? छोड़ो, मुझे छोड़ो, किसी और का सहारा मत लो। मुझे बताओ क्या, पूछो उसको क्या, बताओ क्या बोलने क्या जा रही है? टेल मी। मैंने कुछ नहीं बोला। मारेगी मदर हसन, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। देखो मारना मत, हम लोग देख रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ। क्या पूरे एयरपोर्ट में थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। एक्चुअली भारत की सेवा की है आपने, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी को आप लोगों ने रोका है, और इस परेशानी का नाम है पत्नी। मैं रियाना लूसर। रिपोर्ट पेपर भेजने की हिम्मत कैसे की है मेरे पास? आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो ना, परेशान करके रखा है। अरे जीना हराम कर दिया था इन्होंने मेरा, हर समय गुस्सा, चिक चिक चिड़चिड़, मैंने सब कुछ सहन किया। एक पति का यही काम होता है क्या? हाँ, पति का गुस्सा गुस्सा सहन करना यही काम है क्या मेरा? लेकिन नहीं, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता था। आपको पता है हम लोग रूही के कारण करीब आए जिंदगी में।
Listen to me. You listen to me. Listen to me. Just shut up, huh? आपके कारण मैं बदल गई रमन, मैं बदल गई। रमन, आपको रूही के लिए एक माँ चाहिए थी और मुझे मेरी बेटी, मुझे मेरी रूही चाहिए थी। जब से आप मेरी जिंदगी में आए, लड़ना झगड़ना तो दूर की बात, उसके पहले मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं हंस भी सकती थी। आपके आने के बाद मैं बदली, मुझे पता लगा कि मेरे अंदर एक जिद्दी, एक लड़ाकू इशिता रहती है। मैं एक नई इशिता से मिली। But you just don't care. You don't care for anyone. मैं पूरी हुई ना, आप पूरे हुए, लेकिन आप तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हो। क्यों तुम्हारा अधूरा करना चाहते हो? मुझे अधूरा कर रहे हो, खुद को अधूरा कर रहे हो, किसको किसको पनिशमेंट दे रहे हो आप? You take the decision for me. आप मेरी जिंदगी की डिसीजन लोगे? बोलो, है कोई जवाब? मेरे डिसीजन आप लोगे क्या? No, what? चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। You are nobody to take my decisions, Raman. अगर आपको एक ऐसी औरत से शादी करनी थी जो कि तरी सहमी सी एक घर के कोने में पड़ी रहती, सीरियल की बहू टाइप की होती, तो किसी वैसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मैं वैसी नहीं हूँ रमन, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं आपके हाँ से हाँ नहीं मिलाऊंगी रमन। आपने मुझसे शादी की है, इशिता विश्वनाथन अय्यर से शादी की थी ना, तब आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। हम डिसीजंस एक साथ लेंगे। भाई तभी एक मिनट, ये मणि के साथ मुझे सेट करके जाने का क्या प्लान क्या था ये? Are you an idiot? Are you insane? क्या आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि मैं उस idiot मणि से प्यार करती हूँ? मैं कंटिन्यू बोलो, सब सुन रहे हैं। फिनिश योर स्पीच, बोलो ना। मुझे मैं बात नहीं करने को बोल रहा हूँ, सुनने को बोल रहा हूँ। सुनो ना लिसन टू मी कंटिन्यू। तुम कहीं नहीं जाना, तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं सकता, लेकिन एक बात कंफर्म, कि तुम पागल हो। यू आर अ मैड मद्रासी, यू नो दैट। पागल पंजाबी की पागल पत्नी होता है, मैं इतना ही जानती हूँ। तो ठीक है, तुम भी पागल, मैं भी पागल, जोड़ी अच्छी है। तू कह, नहीं जा रहा। दिल्ली में ठंड बहुत बढ़ गई है, तो रास्ते में रोक के कहीं कॉफी ऑफ पी लें। ओ ड्राइवर जी, जरा छेती चलाओ। जा रही बुड्ढी माँ को सवेरे 4 बजे तक जगाया हुआ है। एक बेनकूफ की कुदरतियों से सारी रात काली हो गई। चल भाई जल्दी चल, तू आधी धुलाई हो चुकी है, बाकी ये ड्राई क्लीनिंग घर जाके हो जाएगी। आगे देखो।